कुछ सेक्टरों में घुसपैठ की साजिश नाकाम हो गई। एक आतंकवादी ढेर किया गया है, एक घायल है। पुंछ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। हथियारों के साथ LOC पार कर रहे थे ये आतंकी, और देखे किस तरीके से इनकी नापाक साजिश कामयाब नहीं हो पाई है। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बार फिर से किस तरीके से आतंकियों ने नापाक साजिश रचने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। बिल्कुल आपने सही कहा, एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने उनकी जो नापाक कोशिश थी उसको फेल कर दिया है। आज रात 2 बजे आतंकवादी हथियारों से लैस पुंछ सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उनकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया जाता है, उन्हें रुकने को कहा जाता है, उसके बाद आतंकवादी फायरिंग करते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग भारतीय फौजी की तरफ से होती है जिसमें एक आतंकवादी मारा जाता है, दूसरा जख्मी है। इस समय ज्वाइंट ऑपरेशन ग्रुप जो है आर्मी और पुलिस का उस दूसरे आतंकवादी को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगता है वो कहीं उसी जगह जंगल में छुपा हुआ, क्योंकि कोई एरिया होता है जो फेंस जंगल के बीच का इलाका होता है, वो वहीं पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है। और ये देखिए दूसरी घुसपैठ की कोशिश है, पिछले 12 घंटों में विफल कर दी गई है। एक हमने देखा कि कुपवाड़ा सेक्टर में और ये अब पुंछ सेक्टर में। और अगर बिल्कुल प्रदीप आपने सही कहा, आतंकियों की नापाक कोशिश और उनको खानी पड़ी है मुंह की।